नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं कुंभ राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। कुंभ राशि 7 फरवरी 2020, क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे आज का संक्षिप्त सुबह का पांचांग, फिर राशिफल जानेंगे, फिर महाप्रयोग जानेंगे और आज के दिन को कैसे बेहतर बनाया जाए ये भी जानेंगे। जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज मैं बताऊंगा कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य अच्छा शीघ्र वर कैसे प्राप्त हो, उसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, ये सभी कुछ इस वीडियो में होगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। और ये जो जानकारी है वो चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं। सूर्य उदय होगा 7:10 सुबह, सूर्यास्त होगा 6:02 शाम को, योग होगा प्रीति और तिथि होगी शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, नक्षत्र पुनर्वसु, वार शुक्रवार, चंद्र राशि मिथुन, अभिजीत मुहूर्त 12:14 दोपहर से 12:57 दोपहर तक, राहु काल होगा 11:14 सुबह से 12:35 दोपहर तक। तो ये तो थी संक्षिप्त पांचांग की जानकारी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें और घंटी वाले निशान के बटन को जरूर दबा दें। तो शुरुआत करते हैं राशिफल की। आज चंद्रमा पंचम भाव में होंगे राहु के साथ, ग्रहण दोष का निर्माण बना हुआ है। जन्म कुंडली में अर्थात गोचर कुंडली में जब ग्रहण दोष होता है तो हमें बहुत सारे फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, लेकिन आज फायदे का दिन है, संभल कर रहिएगा। बड़े बड़े फायदे आपको मिल सकते हैं, कैसे मिलेंगे कुछ ही क्षणों में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं उन कुंवारी कन्याओं के बारे में जो योग्य हैं विवाह के, किसी ना किसी कारणवश उनका विवाह टल रहा है, रुक जाता है, कोई ना कोई कारण बन जाता है जिससे उनका विवाह अभी तक नहीं हो पाया, या रिश्ते नहीं आते, या रिश्ते आते हैं तो अच्छे रिश्ते नहीं आते, या फिर रिश्ते टूट जाते हैं। ये सभी समस्याओं से यदि आप पीड़ित हैं तो आप इस उपाय को करिए, श्रद्धा और विश्वास से आपको लाभ होगा। शुक्रवार वाले दिन अविवाहित कन्याएं शिव मंदिर जाएं, घर के आसपास के शिव मंदिर में जाएं, भगवान शिव पर जलाभिषेक करें सबसे पहले, और जलाभिषेक करते समय कम से कम 21 बार, 51 बार या 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यानी जो जल है उसकी सीधी धार उसी स्पीड में होनी चाहिए जितनी स्पीड में आप मंत्र पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जल चढ़ा देने के बाद, ओम नमः शिवाय का जाप कर लेने के बाद, दूसरा काम जो भी सीजनल फूल है इस मौसम में जो आपको आसानी से मिलते हैं, मंदिर के बाहर से 108 फूल ले लीजिएगा और 108 फूल शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय करते हुए चढ़ाते जाइएगा। ऐसा एक बार करना है, यानी कि एक माला करना है, 108 बार करना है, 108 फूल आपके पास होने चाहिए। पहला काम जलाभिषेक, दूसरा काम फूल और ओम नमः शिवाय मंत्र जारी रहेगा, तीसरा काम 21 बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप चालू रखें। बस इतना करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। वहीं पर बैठकर आराम से ये प्रयोग करें। आपको इसमें 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लग सकता है, समय देना पड़ेगा। और उसके बाद भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती और शिव जी की आराधना करें और पार्वती जी से आराधना करें कि शंकर भगवान के द्वारा
आपको जल्द से जल्द वरदान दिलवाएं। पार्वती जी की प्रार्थना करिएगा, पार्वती जी की कृपा से भगवान भोलेनाथ आपको अति शीघ्र एक बढ़िया सुयोग्य वर भी देंगे और अच्छा परिवार भी देंगे जैसा आपने सोच रखा है। ये प्रयोग किसी भी शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है, सुबह या शाम आप मंदिर जा सकती हैं। इसके साथ साथ आप ये प्रयोग कम से कम 5 शुक्रवार करें। इन 5 शुक्रवारों में आपका विवाह या तो तय हो जाएगा या रिश्ते आने लगेंगे या कुछ ना कुछ शुभ परिणाम आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये था टोटका जिसको आप करते हैं गुप्त रूप से, श्रद्धा से, स्वच्छ होकर, अच्छे मन से, तो जल्द ही आपके घर में भी शहनाई गूंजने लगेगी। अब बात करते हैं राशिफल की। आज के दिन धन लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं, अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं। आपको अपने आसपास के मौकों को गंवाना नहीं है, अपने आसपास के मौकों पर नज़र बना कर रखनी है ताकि कोई भी मौका आपके हाथ से निकलने ना पाए। जो भी पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएं हैं उनका मन पढ़ाई में लगेगा, आज अच्छी पढ़ाई होगी, व्यापार में सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। जो भी लोग नौकरी में हैं तो उनको बढ़िया लाभ होगा, सीनियर से अच्छी बातचीत रहेगी, कोई तनाव की स्थिति नहीं रहेगी। आज सावधानी ये रखनी है कि आपको हर काम शुरू करके खत्म करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है और अपना काम किसी और को सौंप कर खुद मौज मस्ती नहीं करनी है। यहाँ पर गलतियाँ की तो परिणाम कुछ गलत हो सकते हैं, जिम्मेदारियों को निभाना होगा। व्यापारी वर्ग का मिलना जुलना कुछ अच्छे लोगों से, कुछ बड़े व्यापारियों से, समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों से हो सकता है, जहाँ पर लाभ की संभावनाएं जुड़ेंगी। तो आपको थोड़ी सावधानी ये रखनी है कि जल्दबाजी में किसी पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करके कोई बड़ी डील ना कर लें जब तक आप सोच समझ ना लें। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि हर पीली चीज सोना नहीं होती है। नौकरी व्यापार में आपको अचानक धन प्राप्ति के योग हैं, नौकरी व्यापार में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, अच्छा निवेश किया जा सकता है समझदारी के साथ में। शेयर मार्केट सट्टेबाजी में अगर आपको नॉलेज है, समझ है, तो बड़ा हाथ आपके लग सकता है प्रॉफिट का, यानी कि कोई चमत्कार हो सकता है। पैसा लगाया तो दुगना तिगुना हो सकता है, लेकिन अगर आपकी जानकारी पक्की है और आप माहिर खिलाड़ी हैं शेयर मार्केट या सट्टेबाजी इत्यादि के, तब अगर पकड़ मजबूत है तो फिर आज लाभ भी बढ़िया हो सकता है। सेहत बढ़िया रहेगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, प्रेम संबंध पहले से बेहतर होंगे। जो भी लोग खेल कूद से जुड़े हैं, बच्चे हों या बड़े हों, अच्छा उनको परिणाम मिलेगा। कुल मिलाकर आपका दिन संभल कर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सावधानियों के साथ बिताया जाए तो बड़े बड़े लाभ और बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं। गलतियां नुकसान देंगी, इन गलतियों से बचना होगा। अपनी माता जी का ख्याल रखें, घर के बड़ों का आशीर्वाद लें, अपनी योजनाओं को पूरा वक्त पर करें, जो भी जिम्मेदारी आज ली है उसको निभाने की पूरी कोशिश करें। अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष होकर फैसला लें, किसी के तरफ फैसला सुनाने से पहले सारे पहलुओं पर जांच पड़ताल कर लें तो ही बेहतर होगा। सही वक्त पर भोजन करें, सही वक्त पर नींद लें, काम के साथ आराम की भी आवश्यकता होती है शरीर को, दिमाग को, तो उसको भी पूर्ण आराम दें। परिवार के लोगों के साथ बढ़िया बातचीत रहेगी। कुल मिलाकर समझदारी और सावधानी आज आपको बड़े लाभ की तरफ ले जा सकती है, नौकरी में, व्यापार में, शिक्षा में और आपके व्यक्तिगत जीवन में। बढ़िया दिन कहा जाएगा, अच्छी तरीके से वक्त को बिताइएगा। अब बात करते हैं
उपाय की। हनुमान चालीसा पढ़िए, पढ़ते रहिए सुबह दोपहर शाम। शिव आराधना करिए, गायत्री मंत्र का पाठ करिए, कोई कष्ट नहीं होगा। जो भी लोग शनि की साढ़े साथी से प्रभावित हैं या जिनकी कुंडली में शनि बुरी तरीके से बैठे हुए हैं, अच्छे योग नहीं बना रहे हैं और उनको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, वो लोग शनि रक्षा कवच धारण कर सकते हैं। या जिन लोगों को बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा नज़र लग जाती है, आसपास के लोगों से भयभीत हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो लोग रक्षा कवच धारण करें। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि आगे आने वाले कुछ वक्त बाद परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और उनका मन पढ़ाई से भटक रहा है, उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, बच्चे तेज हैं लेकिन फिर भी एकाग्रता भंग हो रही है, वो लोग ज्ञान वर्धक बुद्ध का कवच धारण करें, लाभ होगा। जो लोग कुंभ राशि के हैं और इस वर्तमान समय में व्यापार में बड़ी तरक्की करना चाहते हैं, वो भी व्यापार वृद्धि कवच को धारण कर सकते हैं या अपनी दुकान या ऑफिस में लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिए गए नंबरों पर संपर्क करके मिल जाएंगी। आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप फ़ोन करके सब चीज़ें जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका समय बढ़िया रहेगा और छोटे छोटे उपायों के साथ, इन रक्षा कवचों के साथ आप अपने जीवन को सुखी बनाएंगे और खुशहाल बनाएंगे। हरिओम, नमस्कार।